लेट्स लुक एट एन एनदर एग्जाम्पल इसके अंदर लेट्स uh, से के देर आर फ्लाइंग ड्रोन्स के परचेज uh, है और इसके अंदर सेटअप uh, कॉस्ट जो है वो टू हंड्रेड डॉलर्स पर ऑर्डर है जबकि एनअल डिमांड इज़ फिफ्टी टू हंड्रेड यूनिट और इसके अंदर जो इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है दैट इज़ ट्वेंटी एट परसेंट ऑफ यूनिट प्राइस उसके बेस के ऊपर हमने इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट डिटरमिन की हुई है इसके अंदर हमने देखना है कि कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर करें जो कि हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमाइज कर रहे अगेन टोटल कॉस्ट के अंदर वी विल इंक्लूड प्रोडक्ट कॉस्ट ऑल्सो तो उसके बेसिस के ऊपर हमने टोटल कॉस्ट डिटरमिन करनी है लेट्स लुक एट द शेड्यूल डिस्काउंट शेड्यूल जो कि हमें गिवन है एंड दैट इज इनिशियल प्राइस अगर हमारे जो रेंज है वो वन यूनिट और हंड्रेड एंड नाइनटीन यूनिट के दरमियान है तो प्राइस इज़ हंड्रेड डॉलर अगर हंड्रेड एंड ट्वेंटी और फोटीन नाइन्टी नाइन के दरमियान है तो नाइन्टी एट डॉलर्स और अगर फिफ्टीन हंड्रेड या उससे अबव है तो नाइन्टी सिक्स डॉलर्स सो दिस इज डिस्काउंटेड प्राइस जो कि हम अवेल कर सकते हैं अगर हम हमारी क्वांटिटी किसी इस रेंज के अंदर फॉल करें तो इसका जो सोलूशन है बेसिकली उसके अंदर अगेन uh, कैलकुलेट हमने करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर एवरी डिस्काउंट एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट प्राइस तो लोएस्ट प्राइस से अगर हम शुरू करें तो उसके अंदर uh, जो कैलकुलेशन है Q3 की दैट कम्स टू 278 हंड्रेड ड्रोन्स uh, इसके अंदर क्योंकि Q3 जो है वो हमारे 1500 से ज्यादा अगर हो तो फिर ही हम अवेल कर सकते हैं सो so, ये हम अवेल नहीं कर सकेंगे तो इसके अंदर हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा टू फिफ्टीन हंड्रेड ड्रोन्स के ऑर्डर पर टू uh, हंड्रेड पर हमें ये प्राइस जो है 96 डॉलर की ये हमें नहीं मिलेगी तो उसको हमने एडजस्ट किया टू फिफ्टीन हंड्रेड अब सेकेंड जो है उसको अगर करें तो वो टू सेवेंटी फाइव ड्रोनिम क्वानिटी द रेंज प्रोवाइडेड फॉर दिस प्राइस 98 एट डॉलर की प्राइस के ऊपर uh, उस रेंज के अंदर ये फॉल कर रहे इट इज मोर देन टू हंड्रेड एंड लेस देन फिफ्टीन हंड्रेड तो ये 275 इसमें फॉल कर रही है सो द ऑप्टिम क्वांटिटी फॉर प्राइस हमें अब क्योंकि ये feasible price हमारे पास आ गई है, है, तो इससे के अंदर calculation करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो एक तो उसकी प्राइस हाई है और ये ऑप्टिमम क्वांटिटी इधर आ रही है तो दिस गिव्स के इस प्राइस रेंज के अंदर लोअर प्राइस के अंदर ये हमारी बेस्ट क्वांटिटी है जबकि वो जो इससे हायर प्राइस के बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट प्राइस वैसे ही हाई हो जाएगी तो उसको फिर ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसकी टोटल कॉस्ट इससे ज्यादा होगी तो इसके अंदर अब कंपेयर हमने करना है Q2 और Q3 के दरमियान कि 275 हंड्रेड ड्रोन्स का ऑर्डर करें या 1500 हंड्रेड ड्रोन्स का ऑर्डर करें और ये हमारी डिसीजन होगी टोटल कॉस्ट को कंपेयर करके हम देखेंगे कि क्या हमारे पास आना चाहिए अगर ये चार्ट हम देखें तो इस चार्ट के अंदर 275 हंड्रेड एंड इज ऑप्टिमम क्वान्टिटी फॉर नाइन्टी एट डॉलर तो उसके बेसिस के ऊपर जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो 2782 सेवन एट टू एंड होल्डिंग कॉस्ट इज थ्री सेवन एट टू एंड एनुअल होल्डिंग कॉस्ट इज थ्री डबल सेवन थ्री डॉलर तो और प्रोडक्ट कॉस्ट जो है फाइव हंड्रेड एंड नाइन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड है टोटल कॉस्ट हमारी फाइव हंड्रेड एंड सेवनटीन वन फाइव फाइव ये हमारी कॉस्ट बन रही है जबकि 1500 जो कि हमारी थर्ड क्यू थ्री था उसके बेसिस के ऊपर 520,053 एंड डॉलर्स बन रही है तो इस केस के अंदर हमारा क्यू टू जो है 275 सेवेंटी फाइव ऑर्डर क्वान्टिटी का वो सस्ता पड़ रहा है तो इस बेसिस के ऊपर हमें ऑर्डर जो है वो 275 यूनिट्स का करना चाहिए विच इज़ द लोएस्ट टोटल कॉस्ट एनुअल कॉस्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है तो हम 275 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेंगे और 98 डॉलर्स डॉलर इसकी हमें प्राइस पड़ेगी पर यूनिट